अध्याय सात। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है? तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो वो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से
चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था।